हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। एंड द एक्सपेरिमेंट नेम इज़ आइडेंटिफाई द आयंस ऑफ कोबाल्ट सेकेंड एंड निकल सेकेंड विद पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की बात करें, सो इट इज़ अ लैब टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है वो सेवरल टाइप की होती है, फॉर एग्जांपल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बट आज हम स्पेसिफिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी करने जा रहे हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, फॉर एग्जांपल असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज हम करने जा रहे हैं असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है वो नीचे से रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। समझते हैं हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड क्रोमेटोग्राफी पेपर, और वी कैन से दैट वॉटमैन फिल्टर पेपर। सेकंड वन इज़ क्रोमेटोग्राफी जार। नेक्स्ट इज़ वी नीड मिक्सचर, जिसको हमने कंपोनेंट में सेपरेट आउट करना है। फिर हमें चाहिए डेवलपिंग सॉल्वेंट, एंड लास्ट वन इज़ विजुअलाइजिंग सॉल्वेंट। जब ये चीज़ें यूज़ होंगी तो हम स्टडी करेंगे कि ये चीज़ें हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और ये किस चीज़ का मिक्सचर है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया है और मैंने एक पॉइंट पे, दिस इज़ अबाउट 2 सेंटीमीटर, यहाँ से मैंने पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ की है। क्योंकि मेरे पास दो मिक्सचर है जिनकी मैंने क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी है, सो आई हैव मार्क्ड टू क्रॉस देयर। अगर आपको एक ही मिक्सचर मिला है तो आप इन बिटवीन द सेंटर उसको मार्क कर लेंगे और एक ही डॉट लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी। अब अगर बात करें निकल की, तो यहाँ पे एक कैपिलरी है, हम कैपिलरी का यूज़ करते हैं डॉट लगाने के लिए। डॉट जो है वो ज़्यादा दूर तक ना फैले लेकिन डेंस हो। तो सबसे पहली डॉट लगाते हैं हम निकल की। ये मैंने इस पॉइंट पर निकल की डॉट लगा दी। अब हम लगाते हैं CU की डॉट। CU में डिपकी हमने क्रोमेटोग्राफी, एंड नाउ यहाँ पे हमने सेकंड डॉट लगा दी CU की। अब ये डॉट हमने जैसे ही लगा दी, इनको हम ड्राई करने देंगे। तब तक हम अपने क्रोमेटोग्राफी जार में डेवलपिंग सॉल्वेंट डाल लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है इसमें डेवलपिंग सॉल्वेंट। और जो डेवलपिंग सॉल्वेंट है, हम याद रखेंगे कि ये जो हमारी लाइन है इससे नीचे ही हो। अगर डेवलपिंग सॉल्वेंट इससे ऊपर गया तो क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म नहीं होगी, मिक्सचर जो है वो आपके डेवलपिंग सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो जाएगा, पेपर पे वो रन नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ड्राई होने देते हैं, फिर हम इसको क्रोमेटोग्राफी जार में डाल देंगे। सो नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रोमेटोग्राफी पेपर पे हमने जो कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से ड्रॉप्स लगाई थी वो अब ड्राई हो चुकी हैं। सो नाउ हम इसको डेवलपिंग सॉल्वेंट में पुट कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि डेवलपिंग सॉल्वेंट की जो वॉल्यूम है वो कम है जहां हमने डॉट लगाई है। और आप ये भी देख सकते हैं कि अब डेवलपिंग सॉल्वेंट जो है वो धीरे धीरे पेपर पे रन कर रहा है। यू कैन सी दैट कि ये यहां से अब रन कर रहा है। अब अगर हम बात करें, हमें जब ये प्रोसेस हो रही है तो हमें अपना क्रोमेटोग्राफी जार हिलाना नहीं है, उसको एक स्टेशनरी फेज पे ही रखना है। जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि सॉल्वेंट जो है अब रन करना शुरू हुआ है। ये देखिए यहाँ तक आ गया है सॉल्वेंट। इन बिटवीन अगर हम बात करें क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल की, तो जो क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल है वो हमारा एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है। वो ये है कि यहाँ पे एक हमारे पास मोबाइल फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज हमारे पास होता है सॉल्वेंट, जो डेवलपिंग सॉल्वेंट है। स्टेशनरी फेज होता है हमारा पेपर। तो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं थ्रू स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज की हेल्प से क्या करते हैं, रन करते हैं। तो सॉल्वेंट अब रन हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे सॉल्वेंट जो है हमारा रन करना स्टॉप हो जाएगा, हम उस पॉइंट तक का वेट करते हैं। लेट्स वेट फॉर दैट पॉइंट। सो नाउ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 15 से 20 मिनट रखने के बाद हमारा डेवलपिंग सॉल्वेंट इतना रन हुआ। हमने यहाँ पे जो डेवलपिंग सॉल्वेंट जो है मिक्सचर ऑफ एसीटोन, वाटर एंड HCl लिया है। नाउ दिस पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम, और हमारा जो क्रोमेटोग्राम है उसमें कोई कलर नहीं आ रहा है। जब भी हमारे क्रोमेटोग्राम में कोई कलर नहीं आता तो वहाँ पे हम विजुअलाइजिंग सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं या लोकेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जिसके पास आउट करने के बाद हमारे पास क्रोमेटोग्राम में कलर आ जाते हैं। विजुअलाइजिंग एजेंट तभी यूज़ करेंगे जब ये हमारी जो क्रोमेटोग्राफी
हमारी स्ट्रिप है ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती है, तो पहले हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेते हैं, देन वी यूज़ विजुलाइजिंग सॉल्वेंट। विजुलाइजिंग सॉल्वेंट जनरली हमें वहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जहाँ पे हमारे पास अपने आप ही पेपर पे कलर आ जाए, कलर पिगमेंट आ जाए, वहाँ विजुलाइजिंग सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते। जहाँ पे हमारे पास कलरलेस क्रोमेटोग्राम आता है वहाँ हम विजुलाइजिंग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से हमारे क्रोमेटोग्राम में कलर आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। सो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम यहाँ पे जहाँ तक हमारा सॉल्वेंट रन हुआ वहाँ तक मार्क कर लेते हैं। ये हमारा सॉल्वेंट फ्रंट है, इस सॉल्वेंट फ्रंट को हम एक बार मार्क कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट। नेक्स्ट इज जब हमने अपने मिक्सचर बनाए थे NiCl2 NCuCl2 तो यहाँ पे हमने HCl का यूज़ किया था, तो हम अपनी ड्राई स्ट्रिप को अमोनिया फ्यूम से पास आउट करते हैं ताकि जो HCl की स्मेल है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाए। तो यहाँ पे हम अमोनिया की फ्यूम से अपनी जो ड्राई स्ट्रिप है आप देख भी पा रहे होंगे फ्यूम्स यहाँ पे, ये देखिए निकल रही हैं फ्यूम्स, अगर आप इजीली विजुलाइज कर पा रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमने अमोनिया फ्यूम से इसको पास आउट कर लिया है ताकि जो HCl की स्मेल है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाए। अब ये फ्यूम्स पास आउट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इसको विजुलाइजिंग सॉल्वेंट में डिप कर लेंगे जिससे हमारे पास हमारे क्रोमेटोग्राम में कलर आ जाए। ये हमने क्रोमेटोग्राम में इसको डिप कर लिया है, अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो क्रोमेटोग्राम है वो ड्राई हो चुका है और हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ चुके हैं, दैट इज कंपोनेंट फर्स्ट एंड दैट इज कंपोनेंट सेकेंड। अब मेन बात आती है कैलकुलेशन की। क्रोमेटोग्राम में कैलकुलेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटेंशन फैक्टर, दैट इज RF वैल्यू। RF वैल्यू आपके पास होती है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। जो आपका सॉल्वेंट फ्रंट था आप यहाँ से सॉल्वेंट फ्रंट तक डिस्टेंस ले लेंगे और ये डिस्टेंस हमारा आया है 5.3, सो हमने लिख दिया 5.3। नाउ कंपाउंड फर्स्ट, सो RF फर्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड फर्स्ट, जो भी आपका कंपाउंड फर्स्ट है उसका आप सेंटर लोकेट कर लेंगे और सेंटर से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आपकी इनिशियल जो आपकी लाइन है वहाँ तक का डिस्टेंस आप मेज़र कर लेंगे, दैट इज़ 1.5। तो RF1 फर्स्ट कंपाउंड के लिए इट इज़ इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 5.3। तो ये RF आपका फर्स्ट कंपाउंड के लिए है। सिमिलरली आप RF2 कैलकुलेट कर लेंगे सेकेंड कंपोनेंट के लिए, आप यहाँ पे सेंटर लोकेट कर लेंगे इस कंपाउंड का, यहाँ सेंटर आया है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा RF2 के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 1.8 डिवाइडेड बाय जो आपका सॉल्वेंट फ्रंट है वहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज़ 5.3। जो आपकी RF वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा मिक्सचर से ज़्यादा ही ट्रैवल करेगा, ऐसा नहीं होगा कि मिक्सचर जो है सॉल्वेंट से कम ट्रैवल करे, क्योंकि हमने जैसा कि प्रिंसिपल में भी पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट मिक्सचर मूव करता है पेपर के ऊपर। अगर सॉल्वेंट नहीं होगा तो मिक्सचर जो है स्टेशनरी फेज पे मूव नहीं कर पाएगा, मोबाइल फेज यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट ही रहता है। सो जो हमारा रिटेंशन फैक्टर है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, उम्मीद है आपको क्रोमेटोग्राफी का आज के एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।